इंदौर नगर पालिका निगम ने पशु पालकों के अवैध बाड़े तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निगम ने एक साथ दो स्थानों पर कार्यवाही करते हुए अवैध बाड़े ध्वस्त किए। इससे पहले निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने एक दिन पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध बाड़ों के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध के बावजूद इंदौर में पशुपाल रहे पशुपालकों के अवैध निर्माण गुरुवार को तोड़ दिए गए। बीते कुछ समय में पशुपालकों ने अवैध रूप से बाड़े बना लिए थे, यहां जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल को रिपोर्ट मिली थी, इस वजह से शहर में गंदगी हो रही है। इन शिकायतों के बाद तत्काल जाँच करवा कर निगमायुक्त ने निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके लिए बुधवार को एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसके बाद गुरुवार को निगम की टीम ने मौके पर जाकर इन अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। गुरुवार सुबह निगम अमले ने पहले पालदा में मंदिर के पास बने अवैध बाड़ा तोड़ दिया। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि सर्वे में आधार पर 30 से अधिक अवैध बाड़े चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्योंकि शहर में कुछ जगह अपने को पशु दिखने लगे थे, तो इसीलिए कुंदवाड़ा की टीम और बिल्डिंग ऑफिसर्स की टीम ने कल एक सर्वे किया है, और उस सर्वे में कुल 30 से 35 ऐसे बाड़े आइडेंटिफाई करे हैं, जहां पर पशुओं की संख्या कहीं एक भी है, कहीं चार हैं, आठ हैं, 12 तक हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करके आज से वो उनके रिमूवल की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज की कार्रवाई दो जगह पर है, एक मल्हारगंज थाने क्षेत्र में है, एक भंवर थाना क्षेत्र में है। तो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और ये कार्रवाइयाँ सिर्फ बाड़ों पर नहीं होंगी, बल्कि जो इनको संचालित करने वाले लोग हैं उनके अवैध निर्माणों पर भी होंगी। क्योंकि इस शहर ने पहले ही ये संकल्प लिया हुआ है कि हमारे शहर की सड़कों पर कोई भी आवारा पशु नहीं रहेंगे, जो ना तो जिनकी वजह से ट्रैफिक को जो सबसे ज़्यादा असुविधा होती है या जो गंदगी होती है, वो शहर पहले ही समाप्त कर चुका है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान अपने 100 से अधिक कर्मचारियों की टीम को तैनात किया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बन सके। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।